आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। ये हाजमे को भी दुरुस्त रखती है। तो आज हम बनाएंगे कांजी बड़े। ये राजस्थान की और हरियाणा की फेमस रेसिपी है। ये होली पर वहाँ ज़रूर बनाई जाती है। तो ये मैंने मूंग की दाल को भिगोकर ले लिया है 4 से 5 घंटे के लिए और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। आप चाहे तो आधी मूँग की दाल और आधी उड़द की दाल भी भिगोकर ले सकते हैं, लेकिन मैं केवल मूँग की दाल से ही बनाऊँगी। तो अभी हम क्या करेंगे, इन्हें एक जार में डालकर और पीस कर ले लेंगे। तो दाल को हम दरदरा पीस कर लेंगे। जैसे भल्ले की दाल को हम बिल्कुल बारीक पीसते हैं ना, तो इसको थोड़ा दरदरा ही पीसेंगे। ये मैं 2 हरी मिर्च को काट कर डाल लूँगी और एक छोटा सा अदरक का पीस भी लिया है मैंने। अगर आपको अदरक का फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको हम बिना पानी के ही ऐसे ही पीस कर लेंगे। पानी डालेंगे तो ये ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो हम मैंने ऐसे ही दाल को पीस कर लिया है और दाल का टेक्सचर देख सकते हैं आप, एकदम दरदरा ही पीसा है मैंने। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरह दरदरी। अगर आप दाल रखेंगे ना तो जब मुंह में दाल आएगी ना, बहुत अच्छा लगेगा, एकदम बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस दाल को एक बड़े से परात में डाल लेंगे। तो आप चौड़ा बर्तन लीजिएगा जिससे कि इसको फेंटने में आसानी होगी, क्योंकि हमें इसे थोड़ा फेंट कर लेना है। अब मैं इसमें थोड़े मसाले डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच नमक डाल दिया है और नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच डाला। 1/2 ही चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाला है। आप जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने हींग पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। आप आटा भी डाल सकते हैं या चावल का आटा भी डालकर ले सकते हैं, क्योंकि मिक्सी में जब हम पीसते हैं ना तो पतली हो जाती है दाल। और मैं यहाँ पे 2 चम्मच तेल को गर्म करके और इसमें डाल दूँगी। बस इतना ही तेल गर्म करना है कि इसका कच्चापन निकल जाए, जो महक आती है तेल में बस वो। और बाकी इसमें आप और भी सामान डालकर ले सकते हैं, जैसे लाल मिर्च सूखी और राई वगैरह डालकर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने केवल तेल को गर्म करके ही डाला है। और हाथ से मत मिलाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म तेल हमने डाला है। तो 1 चम्मच से इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें सूखा धनिया जो मैंने कुटा हुआ लिया है, आप चाहे तो साबुत धनिया भी डाल कर ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब हम इसको हाथ से फेंट लेंगे, क्योंकि हाथ से फेंटने में बहुत ही अच्छी तरह से ये फेंटा जाता है। जैसे जैसे हम फेंटते जाएंगे ये थोड़ा सा लिक्विड इसका टेक्सचर होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी दाल फिट रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा हरा धनिया काट कर डाल लेती हूँ। पानी बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि पानी अगर हम दाल में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा दाल लिक्विड हो जाएगी। ये फेंटने से ही इसमें लिक्विड हो जाती है ये। तो मैं इसमें थोड़ा सा बारीक धनिया काट कर ले लिया है। अब इसको भी साथ में डालकर और मिक्स कर देंगे। अब दाल अच्छे से हमारी फूल गई है। अब हम एक बर्तन में थोड़ा पानी गर्म कर लेते हैं। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसको मैं गर्म करके ले रही हूँ, क्योंकि हम जो बड़े बनाएंगे ना ये उसमें काम आएगा। तो इसमें हमें कोई मसाला वगैरह नहीं डालना, बस पानी गर्म करना है। अब दूसरी गैस पर हम तेल गर्म कर लेंगे। इधर मैंने बड़े के लिए ये थोड़ा सा पानी लिया है कटोरी में, और एक ही इस तरह की हम कटोरी ले लेंगे। और अब इसके ऊपर एक कपड़ा लगा लीजिएगा, टाइट से लगाइएगा, अच्छे से पकड़ लीजिएगा नीचे से टाइट से, चाहे इस पर इलास्टिक डाल लीजिएगा या वरना हाथ से ही आप ऐसे इसको पकड़ के ले सकते हैं। अब हाथ को हम पानी में डिप करेंगे और इसे अच्छे से कपड़े को भिगो कर ले लेंगे। और थोड़ा सा दाल का बैटर ले लेंगे हाथ में, और दाल को हाथ में लेके इस पर इस तरह से फैला लेंगे ताकि अच्छे से पकौड़े की शेप से ले ले। बहुत से लोग क्या है, पकौड़े की तरह भी बनाते हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका है राजस्थान में। इसी तरह से कांजी वड़ा बनाया जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है, बहुत अच्छे फूले फूले बड़े बनते हैं। तो अभी मैं तेल को चेक कर लूँगी, क्योंकि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे वड़े जो है ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। तो मीडियम हीट पर ही गैस को रखिएगा। अब देखिए कितने अच्छे से मैंने दाल के वड़े छोड़ दिए हैं, और वड़े जो तेल में जाते ही फूल के ऊपर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितने फूले फूले एकदम से फूल गए हैं। मैंने हिलाया भी नहीं है अभी चम्मच से इन्हें, और ये अच्छे से फूल गए हैं। अब मैंने ऐसे ही मैं सारे वड़े बना लूँगी। अब जो पक गए हैं पहले वाले, उन्हें हम निकाल देंगे तेल से बाहर, क्योंकि अगर हम तेल से बाहर नहीं निकालेंगे ना तो ये बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो जो पकते जाएं उन्हें हम निकालते जाएंगे, और गैस को लो से मीडियम हीट पर ही रख के आप इसको पकाइएगा।
बहुत अच्छे से आपके वड़े बनकर तैयार होंगे। देखिए कैसे गोलगप्पे की तरह से फूल गए हैं। फूलने से इनमें अंदर बहुत अच्छी जालियां बन जाती है और खाने में एकदम मुंह में घुलने वाले सॉफ्ट वड़े बनकर तैयार होते हैं। तो इसी तरह से हम सारे वड़े तैयार कर लेते हैं। अब जो पानी हमने गरम करा था, अब हमने सारे वड़े सेक कर ले लिए हैं, तो ये पानी में सारे वड़े हम डाल देंगे क्योंकि इनमें तेल होता है ना। तो अब जब हम वड़े खाएंगे तो तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसमें गर्म पानी में डालने से क्या है कि तेल, इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है। तो हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं पानी में, गर्म पानी में, ताकि इनका तेल अच्छे से निचुड़ जाए इनमें से। और अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं इसके मसाला बनाने के लिए। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक मिक्सी जार लिया है। अब हम जार में 1.5 चम्मच पीली सरसों के दाने डाल देंगे और 1 चम्मच मैं इसमें काली सरसों डाल रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी वाली बारीक राई है तो वो भी डाल सकते हैं। अब 1/2 चम्मच मैं इसमें हींग पाउडर डाल दूंगी। अब इसको हम पीस कर ले लेंगे। इधर हम एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें हम 1 लीटर पानी का डाल लेंगे। आपके पास अगर मिट्टी की हांडी हो तो वो भी ले सकते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से मिट्टी की हांडी में ही ये बनाया जाता है राजस्थान में। तो अभी जो हमने राई को पीस कर लिया है वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे इसे अच्छे से, पानी में घुल जाए ताकि। देख सकते हैं सारा ही राई अच्छे से पानी में मिक्स हो गई है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/2 ही चम्मच मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पानी बहुत ही अच्छा बनता है, खट्टा मीठा। अभी हम पानी को साइड कर देते हैं और अपने बड़े को निकाल लेते हैं, जो हमने पानी में तेल निकालने के लिए डाले थे ना गर्म पानी में, उनको हम पानी से बाहर निकाल लेंगे। हाथों से दबाते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा जो तेल इसमें है वो निकल जाए। तो अभी हम ऐसे ही इसको दबा दबा के और जो हमने मसाले वाला पानी बनाया कांजी का उसमें डाल देते हैं। मैंने काली गाजर की कांजी और दही वड़े की रेसिपी अपने चैनल पे पहले भी डाली हुई है, आप चाहे तो मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगी उनका। तो अभी मैंने सारे वड़े जो है मसाले के पानी में डाल लिए हैं, आप देख सकते हैं कितना तेल निकला है इनमें। तो अब हम इनको क्या करेंगे, एक मेरे पास दिया है इसको मैं गर्म कर लूँगी, क्योंकि ये एक स्टेप ऐसा है जो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर ला देगा। आपके पास अगर कच्चा कोयला है तो वो भी गर्म करके ले सकते हैं। अब मैं गर्म दिए को इस एक फॉइल पेपर रख दूँगी और उसके ऊपर रख दूँगी और उसमें थोड़ा सा हम देसी घी डाल रहे हैं और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें हींग पाउडर डाल रही हूँ। उससे क्या है कि इसमें बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आएगा और इसको हम ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये स्टेप आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इसी से ही कांजी वड़े में टेस्ट आता है। अब हम 10 मिनट बाद इसको हटा देते हैं और ये देख सकते हैं आप कितना अच्छे से हमारा इसमें फ्लेवर आ चुका है। अब इसको दिए को हम निकाल देंगे और इसको फॉइल पेपर को भी हटा देते हैं और हम अपने बड़े को ढक कर रख देंगे 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे के लिए आप इसे फर्मेंट होने के लिए रख दीजिएगा, क्योंकि 24 घंटे बाद ही ये बहुत अच्छे से तैयार होगा। अब 24 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से हमारे बड़े फूल कर तैयार हो गए हैं। राई भी आप देख सकते हो फूल कर ऊपर आ गई है और महक भी बहुत अच्छी आ रही है, खट्टी खट्टी सी। बहुत ही अच्छे से हमारे बड़े फूल गए हैं। अब इनको हम सर्व करके दिखाते हैं आपको कि इन्हें कैसे डाला जाता है। वैसे तो इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं बिना किसी मसाले के, अगर आप चाहे तो मसाला भी इसमें डालकर खा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं इसमें थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर सर्व कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से अंदर से जाली बनी है और एकदम सॉफ्ट बने हैं। इन्हें हम फ्रिज में रख देंगे और 3 से 4 दिन तक ये आराम से चल जाते हैं। तो इन्हें 3 से 4 दिन तक आप ठंडे करके खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है ये ठंडे ठंडे।
अगर रेसिपी घर में ट्राई करने के बाद आपके फैमिली मेंबर को पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा रिएक्शन रहा आपके फैमिली मेंबर का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।